दिवाली आने वाला है, बहुत सारे काम हमने कर लिए हैं और अब हम कैंडल्स बनाएंगे। कैंडल्स भी हम बनाएंगे वाटर से, ये बहुत अच्छा बनता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है। तो चलिए बनाते हैं वाटर कैंडल और देखते हैं कैसे बनता है ये। कैंडल को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स लिए हैं। इसमें आप घर के कुछ किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैंने पेबल्स, माला, फ्लावर्स एंड स्टोन्स लिए हैं और ये कुछ ग्लासेस लिए हैं डिफरेंट शेप के। एक प्लास्टिक के बॉटल को मैंने कट कर लिया है ऐसे छोटे छोटे पीसेस में। प्लास्टिक के बॉटल के टुकड़े को मैं यूं कील से पियर्स करूंगी। ये हो चुका है और इसके अंदर बाती फिट करूंगी। अब मैं फर्स्ट ग्लास को डेकोरेट करूंगी। इसमें मैं मोती का माला रख रही हूं। आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी ज्वेलरी, स्टोन्स, पेबल्स, कुछ भी रख सकते हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, पानी पूरे ऊपर तक डाल देंगे हम। ये मैंने बाकी के ग्लासेस को डेकोरेट कर दिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें एडिबल ऑयल ऐड करेंगे। आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, इवन कोकोनट ऑयल भी चलेगा। इस तरीके से हम पोर कर लेंगे ऑयल से। मैंने सारे ग्लासेस को पोर कर लिया है ऑयल से। अब इसमें बाती डाल देंगे। बाती के ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है तो अच्छे से फ्लोट करेगा। एक एक करके सब में डाल देंगे। देखिए अभी ही इतना सुंदर लग रहा है, जब हम कैंडल जलाएंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। अब हम कैंडल जलाते हैं। दिवाली का ये बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव पीस बनकर तैयार होता है। किसी भी कॉर्नर पे रख दीजिए, इसे सेंटर टेबल पे रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसे मात्र हम 2 चम्मच तेल से बना सकते हैं और ये घंटों चलता है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए जलने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मार्केट के दिए से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है और आपके घर के एम्बियंस को बढ़ा देता है। ये बहुत ही किफ़ायती होता है और सबसे अच्छी बात है इसे बनाना बहुत इजी है। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।